चलते हैं डिम्पी के पास। डिम्पी, शुक्रिया दीपाली। कमोडिटीज मार्केट में अगर आप गोल्ड सिल्वर देखेंगे ना, तो यहाँ पे जो गिरावट थी वो अब थोड़ी थम रही है और अब यहाँ पे संकेत अब पॉजिटिव होते दिख रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में आप गोल्ड के प्राइसेस देख पा रहे हैं जो अभी करीब $2 ऊपर हैं और परसेंटेज में करीब 4.5% के आसपास की मजबूती है। इसी तरह से सिल्वर में भी आप ऑन्स में बढ़त देख पा रहे हैं, 0.25% से कहीं ज़्यादा की मजबूती के साथ इसमें ट्रेड कर रहा है। इट्स अ गुड साइन क्योंकि लगातार 4 हफ्तों की तेज़ गिरावट थी, या भी ये कहें कि थोड़ा थमा हुआ था, अब संकेत बेस बनने के दिखने लगे हैं। मेरे साथ थोड़ी देर में तरुण ससंगी होंगे, साथ ही चौड़ा रेड्डी होंगे जिनसे हम बातचीत करेंगे। लेकिन ओवरऑल आप गोल्ड सिल्वर के हिसाब से ये देखना चाहें तो आज का दिन बाजार में खरीदारी का रहेगा। दूसरा, क्रूड की कीमतों में भी तेज़ी है। 25 तारीख को एक ओपेक की बैठक होने वाली है। इस बैठक की इंपॉर्टेंस चीज़ यही है कि क्या प्रोडक्शन कट होगा। अभी तक जो भी संकेत हमको देखने को मिल रहे हैं, जो वॉइसेस, ग्लोबल वॉइसेस हमको मिल रही हैं, वो ये कह रहे हैं कि शायद प्रोडक्शन कट के आसार इस बार फिर से लगते हैं। नहीं होगा तो स्टेटस को भी रह सकता है। इन बोथ द कंडीशन शायद कच्चे तेल में थोड़ा बहुत दबाव रहे, लेकिन थोड़ा सा ऊपरी स्तरों पर मजबूती हमने वापस बनते हुए देखी है। तरुण ससंगी इस बीच मेरे साथ जुड़ चुका है। तरुण, शुक्रिया। ये गोल्ड सिल्वर पे आज क्या करना चाहिए हमको? हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। वेल, मार्केट काफी साइडवेज हो चुके हैं रिसेंटली, बट जिस तरीके से अभी जून में फेड रेट हाइक की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, नाउ 85% चांस है कि वो जून में हाइक करेंगे। लास्ट वीक 65% के आसपास था, तो सर्टेनली फर्दर प्रेशर आना चाहिए। और वैसे भी लीन पीरियड है ये, तो नॉर्मली ट्रेडिशनली गोल्ड के प्राइसेस थोड़े सॉफ्ट रहते हैं इन द मंथ ऑफ मई एंड जून। हमको लगता है कि डॉलर टर्म्स में $1,190 तक प्राइस आ सकते हैं। इवन एमसीएक्स में भी 27,500 तक प्राइस आने चाहिए। ठीक है, कमोडिटी मार्केट्स के आप ओपनिंग भी देख पा रहे हैं। यहाँ पे सोना बढ़कर खोला, जैसे हमने शुरुआत में भी आपको कहा था कि आज थोड़ा बेस बनाने का समय होगा। सिल्वर के अंदर करीब 190 रुपये की तेज़ी है, 38,000 के ऊपर समय आकर ट्रेड कर रही है। तो कमोडिटी मार्केट्स के अंदर अगर आप नेचुरल गैस देखें, यहाँ पे हल्का सा दबाव है, ये करीब 0.5% की गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा कुछ एक मेटल्स भी देख लेते हैं, वहाँ पर ओपनिंग कैसे हुई है। स्पेशली आपको ध्यान रखना है निकल पे, एल्यूमिनियम पे, यहाँ पे ट्रेड थोड़ा सा मोमेंटम भरा मिलता है। अभी प्राइजेस आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन इस बीच चौड़ा रेडी मेरे साथ बने हुए हैं। चौड़ा, आपके रिकमेंडेशन क्या है, ये नेचुरल गैस पे या फिर जो कॉपर के प्राइस हमको दिख रहे हैं थोड़ा पॉजिटिव खुला है, इन दोनों पे आपकी रिकमेंडेशन चाहिए, नेचुरल गैस एंड कॉपर? कॉपर में ब्रॉडली वीक ट्रेंड है, ये फॉल कंटिन्यू होना चाहिए। आज का रिकवरी जस्ट एक फिल्ग्रेस है, हायर लेवल पे सेल करना चाहिए बिकॉज ऑफ हायर स्टॉक्स और आफ्टर शार्प रैली इन लास्ट 6 months टेकिंग सम करेक्शन एज वेल। तो कॉपर जून कॉन्ट्रैक्ट 360-62 रेंज में सेल करना चाहिए पर टारगेट ऑफ 365 स्टॉप लॉस एट 363। और नेचुरल गैस में भी बाइंग करना चाहिए बिकॉज ऑफ डिक्लाइनिंग इन्वेंट्रीज और आफ्टर सम डिप वन कैन इनिशिएट बाय पोजीशंस अराउंड 212-214 लेवल्स में सेल बाइंग करना चाहिए पर टारगेट ऑफ 220। ठीक है, 220 तक का टारगेट है नेचुरल गैस पे। आप एक बार लेवल्स नोट करें जो कि सी रेड्डी हमको दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 220 तक का टारगेट नेचुरल गैस पे है। कॉपर जिसके प्राइस अभी आप देख पा रहे हैं फ्लैट खुला है, आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। 360 के प्राइस पे शॉर्ट करने की कह रहे हैं, वहीं पर ओपन हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट करेंगे कॉपर। थोड़ा कॉपर नीचे आ भी रहा है, ध्यान रखें इस बात का। एक स्टॉप लॉस आप रख लीजिए जब इसको आप शॉर्ट करेंगे, वह 363 का, 355 तक के भाव आपको आज के सेशन में मिल जाने चाहिए। तो नेचुरल गैस और कॉपर दोनों पर आपको रिकमेंडेशन मिली है। तरुण कह रहे हैं कि गोल्ड खरीदें। तरुण, इसके अलावा आपकी रिकमेंडेशन क्रूड पे क्या है, ये भी बताइए। टू करेक्ट इट, गोल्ड में आई थिंक शॉर्ट साइड में जाना चाहिए, अपना जो कॉल है वो शॉर्ट का है। कमिंग टू द क्रूड ऑयल प्राइसेस, हमको ऐसा लगता है अभी फर्मनेस रहना चाहिए, प्रीमियम बना हुआ है जो ओपेक आउटपुट कट एक्सटेंड करेगा एंड प्रॉब्ली जो कट एक्सटेंड करेंगे वो कंटिन्यू हो सकता है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2018 तक। तो काफी पॉजिटिव न्यूज है जिसकी वजह से मार्केट में हमको लगता है 1,752 के प्राइस आने चाहिए बिफोर दिस मंथ एंड। अच्छा, तो आपके चांसेस कितने लग रहे हैं ओपेक की बैठक से, कट के नहीं कट के? कट के चांसेस ऑलमोस्ट तय है कि वो कट करेंगे। अगर वो अच्छा कट नहीं करते हैं तो उस केस में जो लास्ट ईयर नवंबर में जो उन्होंने डिसीजन लिया था वो उसका जो आउटकम था वो पूरा फ्लॉप हो जाएगा। एंड नाउ उनके पास अभी कोई चॉइस नहीं बचता है बट टू कट द प्रोडक्शन टू रिटेन एटलीस्ट हायर प्राइस। तो सर्टेनली कट करने का ऑलमोस्ट तय है और ये भी हो सकता है कि वो लंबे समय के लिए कट अनाउंस करें। ठीक है, इस बीच मिस्टर रेड्डी दो चीज़ मेरे को आप और बताइए। एक तो एग्री कमोडिटी है जीरा, इस पे आपकी कॉल क्या है, इस पे क्या करना है हमको आज? हाँ, जीरा में बाइंग करना चाहिए, देयर कम सम पुल बैक इन जीरा प्राइस आफ्टर रिसेंट फॉल
June contract buying kasa chha around 18,650 level, safari target of 19,000 with stop loss at 18,450. ठीक है, आप भी बाय करेंगे क्रूड ऑयल में? कुछ कंडीशंस हैं क्या बाय करने की? आप क्रूड ऑयल में भी बाइंग कर सकते हैं अराउंड 350 लेवल्स पर टारगेट ऑफ 3120. मेन रीजन है क्रूड ऑयल नाइमेक्स इज टेकिंग गुड सपोर्ट अराउंड 46-47 डॉलर्स और एट द सेम टाइम वी हैव ओपेक मीटिंग बाय दिस मंथ एंड सो देयर कैन बी सम रिकवरी. एंड उसके अलावा क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज काफी कम हुआ लास्ट टू डेज बैक का डेटा देखा तो इन्वेंट्रीज यूएस में काफी कम हुआ, इसकी वजह से ये रिकवरी कंटिन्यू हो सकते हैं नेक्स्ट कपल ऑफ सेशन. ठीक है, एक बार मैं वैसे सम अप कर दूं, जब तक हमको ट्रेडिंग कॉल्स मिली है तरुण ससंगी की तरफ से और सी रेड्डी की तरफ से, दोनों कह रहे हैं कि एक बार गोल्ड पे थोड़ा सा नज़र रखें. जैसे तरुण कह रहे हैं कि एक बार थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं अब ऊपर पे, लेकिन इनके लेवल्स बिल्कुल जो चौड़ा रेड्डी के लेवल्स हैं उसके साथ बिल्कुल एंटी चल रहे हैं. एंटी इस लिहाज से कि एक स्टॉप लॉस उन्हीं का वो टारगेट बन जाएगा, इसलिए ये चीज़ तो तय है कि जिस लेवल्स के बीच में आपके सामने रणनीति रख रहे हैं यहीं ही गोल्ड की एक रेंज रहेगी. ये गोल्ड को लेकर व्यू है दोनों एनालिस्ट का. अच्छा, एक चीज़ बिल्कुल तय है दोनों की तरफ से, वो है कि क्रूड के अंदर बाय किया जा सकता है. कच्चे तेल के अंदर आप कोई ट्रेड ढूंढ रहे हैं तो वो बाय किया जा सकता है. जो तरुण के लेवल्स हैं क्रूड के वो टारगेट 3150 का है और जो मिस्टर रेड्डी टारगेट दे रहे हैं वो 3120 का है. कुल मिला के दोनों के टारगेट्स 3100 के ऊपर हैं. अभी 3085 पे चल रहा है, 5 रुपये की गिरावट है. एक और कॉमोडिटी है वो है कॉपर, इसको आप एक बार बाय कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी कॉन्टेरियन व्यू मिला है. लेवल्स के आपको इम्पोर्टेंस ध्यान रखनी होगी. ये शायद पूरी रेंज 6-7 रुपये की आज की भी. तरुण जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि 360 तक का एक बार टारगेट आपको मिल जाना चाहिए. और मिस्टर सी रेड्डी कह रहे हैं कि एक बार इसमें आप ऊपरी स्तरों पर अगर शॉर्ट करते हैं तो 360 का ही स्टॉप लॉस रखें, 360 इस रेंज का, तभी आपको इससे पैसा बन जाएगा. तो 360 की इंपॉर्टेंस बहुत है, ऊपर और नीचे होने पर आप एक बार रणनीति यहाँ पर रख सकते हैं. चलिए, इस बीच 11:30 बजे में भी खास क्या होने वाला है एक बार आपको पहले वो बता देते हैं. हमारे साथ रविंद्र राव होंगे जो कि आनंद राठी से हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट के अंदर करना क्या है. साथ ही रणेशा चनानी भी होंगे जिनसे हम ये समझेंगे कि ओवरऑल कमोडिटी मार्केट्स के अंदर इस समय कौन से ट्रेड ऐसे हैं जहाँ से आपको अच्छा फायदा मिल सकता है. तो 11:30 बजे दो खास एनालिस्ट हमारे साथ होंगे, स्पेशली ये गोल्ड और सिल्वर की स्ट्रेंथ कितनी है, कच्चा तेल, एग्री कमोडिटीज़ के बारे में डिस्कस होगा, ये सब कुछ होगा 11:30 बजे. चलिए सी रेड्डी शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, तरुण आपका शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए.